Hello my dear students, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suresh Singh and today I will teach you syntax. जैसे कि students आपको पता है कि मैं syntax की already दो video बना चुका हूँ, subject means subject verb agreement. तो मैंने यहाँ तक आपके 33 rules cover करा दिए थे. अब next rule बढ़ते हैं हम आज की video का 34, और आज की video का ये first rule है और series में चलता हुआ आपका rule है 34. स्टूडेंट बात करते हैं हम फर्स्ट रूल की. इससे पहले मैंने जो आपकी जो दो वीडियो बनाई हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से वर्ब का यूज़ करेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे कि आपके यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जूरी, मूव, काउंसलिंग, क्राउड, कमेटी, ऑडियंस, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हेड, पब्लिक, क्रू, ईटीसी. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो भी मैंने जो नाउन यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ये नाउन आपके होते हैं सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, तथा इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और इनके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि द ज्यूरी वॉज अनेमियस इन इट्स डिसीजन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका द ज्यूरी जो हमने यहाँ पर यूज़ किया गया, ये आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है. इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब यूज़ किया आपकी सिंगुलर वर्ब, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इनमें जो आपके सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, आर्मी, मूव, जोरी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके सिंगुलर कलेक्टिव नाउन और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. सेकंड एग्जांपल दिया गया आपका, द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय इट्स कमांडर. स्टूडेंट यहाँ पर हमने द आर्मी क्या है आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब है इसका यूज़ किया है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो आपका इट्स यूज़ किया गया है, ये यूज़ किया गया है आपका सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि इट्स. यहाँ बताया गया कि स्टूडेंट ज्यूरी आपका क्या होता है, ए बॉडी ऑफ पर्सन हु स्वेयर टू गिव ए ट्रूथ डिसीजन, यानी कुछ ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है ज्यूरी, जो क्या करते हैं आपको एक ट्रू डिसीजन यानी एक सही तरह से आपको न्याय देते हैं, उसको बोलते हैं आप ज्यूरी. नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट आपकी, ये आर्मी हम किसको बोलते हैं, आर्मी बोला जाता है द मिलिट्री फोर्स ऑफ ए कंट्री, यानी कि किसी देश की भी जो फोर्स वाले होते हैं, जो अर्धसैनिक बल होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्मी. नेक्स्ट है आपका आर्मी ट्यूब, यानी ए पार्ट ऑफ डायनामो विच रोटेट्स, रोटेट्स यानी डायनामो का ये भाग होता है. नेक्स्ट मेंशन किया गया आपका आर्मड, यानी कि एक ग्रीक फ्लीट ऑफ परसिप, यानी कि जहाजी बेड़ों का एक समूह, उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स आर्मड. यहाँ बताया गया है कि ऊपर दिए गए नाउन हैं, इनसे अगर हमें अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध होता है तो इसे हम प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं, तथा इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तथा इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन ही दे, देम, देयर, देमसेल्फ का यूज करते हैं. अगर स्टूडेंट जो भी मैंने आपके जो नाउन बताए थे आपको, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, मूव, जूरी, तो अगर इनसे हमें अगर सिंगल कलेक्टिव नाउन का पता चलता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, अगर इनका इस्तेमाल अगर हम अलग अलग करते हैं तो वहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. चलो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. यहाँ बताया गया आपका द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी यहाँ बताया गया स्टूडेंट द जूरी, यहाँ द जूरी से हमें पता चला कि जूरी का जो प्रत्येक सदस्य ना वो क्या था, अपने अपने डिसीजन पर अलग अलग थे, यानी एक मत नहीं थे, वो सब अलग अलग हो गए, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपका प्लूरल प्रोनाउन देयर यूज़ किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर यूज़ किए. ऐसे यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपका मैंशन किया गया है द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ऐसे यहाँ पर हमने क्या है प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया गया है और प्लूरल आपकी वर्ब यूज़ की गई है, और तो कमेटी यहाँ पता चलता है हमें कि जो समिति थी ना, समिति के प्रत्येक सदस्य के बारे में बहुत पता चलता है,
स्टूडेंट इससे क्या हमें बोध हो रहा है कि ये प्रत्येक के लिए अलग अलग डिवाइडेशन हो रहा है, हमें क्या हो रहा है अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब और प्लूरल आपका प्रोनाउन यूज किया गया। बढ़ते नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट आपको बताया है कि मीन्स का अर्थ मेथ प्रोसेस तरीका या साधन या माध्यम होता है। इसका प्रयोग हम सिंगुलर व प्लूरल दोनों में कर सकते हैं तथा इसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर हमें अगर मीन्स पता चलता है, अगर हम जो भी उच्चारण करके पता चलता है कि अगर ये हमें सिंगुलर पता चलता है तो इसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अगर हमें पता चलता है कि मीन्स का जो भी यूज़ किया गया है सेंटेंस में जहाँ पर भी, उससे अगर हमें प्लूरल का बोध होता है तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया आपका दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट फॉर मी, तो स्टूडेंट यहाँ मेंशन किया गया है इस मीन से पता चलता है कि जो भी जो ट्रैवलिंग करने का जो तरीका है वो क्या है मेरे लिए वो ठीक नहीं है, हम कहें साधन या तरीका माध्यम हमारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ बताया गया कि दीज, यहाँ दिस था और यहाँ पर दीज यूज़ किया गया है, तो अपने आप ही आपको पता चल रहा है कि प्लूरल यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया हमारा। दीज मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग आर नॉट फिट मी, तो यहाँ क्या है आपका दीज यूज़ किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। इसमें बताया गया लेकिन मीन्स का अर्थ क्या होता है, आय का इनकम या सोर्स, यानी कि हमें पता चलता है कि हमारी जो इनकम है उसके बारे में अगर हमें पता चलता है किसी भी धन संपत्ति के बारे में तो इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स प्लूरल में होता है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं ना कि सिंगुलर। जैसे यहाँ आपका एग्जाम्पल में मेंशन किया गया कि हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका मीन्स है इसका मीन्स हमें पता चलता है कि ये बता रहा है हिज माने उसका मीन्स क्या है स्टूडेंट, उसकी जो आय का स्रोत है कैसा है आपका वेरी स्मॉल। तो इस अगर हमें मीन्स का अगर हमें अर्थ निकलता है किसी साधन से या माध्यम से तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं और प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको मीन्स से पता चलता है कि अगर हम किसी की इनकम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट इससे पहले मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपके कई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो आपके रूल्स थे वो मैंने कवर कराए हैं, और अगर आपको किसी भी रूल्स में अगर कोई भी दिक्कत होती है कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो मुझसे आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आकर के आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करूँगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। हेयर क्लास वी ट्यू क्लॉक फोर्स मैरिज, इनसे स्टूडेंट क्या होता है ये आपके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, नाउन तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं आपके अनकाउंटेबल, तो इनके साथ हम क्या करते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। स्टूडेंट ये आपके नाउन कैसे होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं और सिंगुलर होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया आपका हर हेयर इज ब्लैक, स्टूडेंट ये क्या आपका हेयर क्या है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब कैसे यूज़ की है सिंगुलर वर्ब यूज़ की आपकी। लेकिन यहाँ बताया गया लेकिन हेयर का प्रयोग अगर विशेष अर्थ में यानी काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, इससे पहले अगर हम टू थ्री या हम बोले वन टू थ्री का यूज़ करते हैं तो काउंटेबल रूप में नाउन के रूप में इसके साथ हम एस लगाकर प्लूरल बना लेते हैं तथा इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है अगर इसको हमें प्लूरल बनाना हो तो इसके साथ हम एस या ईएस या आईएस यूज करते हैं, तो हम अगर यहाँ एस लगा देते हैं इसके इनके पीछे जो भी आपके नाउन मेंशन किए गए ऊपर तो उससे क्या वो प्लूरल में बदल जाएंगे और उनके साथ हमको प्लूरल का यूज़ करना हो। जैसे यहाँ बताया गया फोर हेयर ऑन हर हेड आर ग्रे, स्टूडेंट मैंने भी यहाँ बताया था कि अगर जो भी आपके जो भी यहाँ पर नाउन दिए गए हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल हैं अगर उनसे पहले हम कोई भी नंबर यूज़ करते हैं यानी वन टू थ्री फोर इस तरीके, तो यहाँ हमने नंबर को यूज़ किया गया है कोई भी, और यहाँ मैंने बताया था कि ये अगर हम इसके साथ एस यूज़ नहीं करते तो ये आपका क्या होता सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता, लेकिन इसके साथ अगर हमने एस यूज़ कर दिया है तो इससे हमें क्या पता चलता है प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, और इसी को अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब कैसे यूज़ किया आपकी प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट मेंशन किया गया है, तो स्टूडेंट ये था आपका ईयर के बारे में, अगर आपका सिंगुलर का बोध होता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, अगर उससे पहले अगर हम कोई भी नंबर यूज़ करते हैं और अगर हम प्लूरल बनाते हैं एस लगाते हैं तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं,
उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल समझने में आसानी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर होती है कोई परेशानी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ बताया गया कि ग्लास इज अनकाउंटेबल, यानी कि स्टूडेंट्स जो आपका ग्लास होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, और मैंने बताया कि इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी कि ग्लास, हेयर, ब्यूटी, मैरिज, क्लॉथ, इनके साथ क्या करते हैं हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लेकिन यहाँ इसके कुछ नेम होते हैं, लेकिन ग्लास का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, ये काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। लेकिन इससे पहले अगर हम कोई भी से बताया कि ए का अगर हम यूज़ करते हैं इसके साथ ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। स्टूडेंट यहाँ हमने हेयर के साथ में क्या था नंबर यूज़ किए गए थे यहाँ पर, और यहाँ क्या बोला है यहाँ पर अगर हम आर्टिकल यानी ए का यूज़ करते हैं और उसके साथ अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो हम ई एस जोड़ते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट प्लूरल बन जाएगा, और इसी के अनुसार हम सिंगुलर प्लूरल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया ए ग्लास इज ऑन द टेबल, स्टूडेंट यहाँ मेंशन किया गया ए, ए ए क्या होता है, ए जो आपका होता है ये वन का सेंस देता है, यानी ए ग्लास इज ऑन द टेबल, यानी कि ये ग्लास है वो कहाँ पर है स्टूडेंट, वो आपका टेबल पर है। तो यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। लेकिन यहाँ बताया इसने टू ग्लासेस आर ऑन द टेबल, स्टूडेंट ये अगर हमने टू यूज किया है तो इससे क्या मेंशन हो रहा है कि ये आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन गया है, और इसके साथ हमने यहाँ पर ई एस यूज यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब यूज प्लूरल वर्ब का यानी कि आर का यूज किया है। नेक्स्ट मेंशन किया गया कि ग्लास का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, ग्लासेस का अर्थ होता है चश्मे से। इस अर्थ में अगर इसे हम प्लूरल मानते हैं तो इसके दो भाग होते हैं स्टूडेंट, हमारी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम टू पार्ट में यूज करते हैं, जैसे ग्लासेज आपका ट्राउजर है इस तरीके से होते हैं, तो उनको हम प्लूरल मानते हैं यानी उनके दो भाग होते हैं, जैसे पजामा होता है, ट्राउजर होता है आपका, ग्लासेज होते हैं, सन ग्लासेज होते हैं, तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे बताया गया हिज ग्लासेज आर न्यू, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ बात की गई उसके चश्मे से, यानी कि जो उसका चश्मा है वो कैसा है आपका ये नया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ प्लूरल वर्ब यूज की गई है क्योंकि यहाँ से हमें ये प्लूरल माना गया इसको। जैसे यहाँ बताया गया नेक्स्ट कंसेप्ट दिया गया आपका ब्यूटी के बारे में, ब्यूटी को जब हम यूज करते हैं तो उसे हम किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे यहाँ बताया गया एग्जाम्पल दिया गया द ब्यूटी ऑफ अनु इज अट्रैक्टिव, यानी कि अनु नाम की कोई लड़की है उसकी जो सुंदरता है वो कैसी है बहुत ही दर्शनीय यानी बहुत ही सुंदर है। लेकिन ब्यूटी का अर्थ खूबसूरत सुंदर व्यक्ति स्त्री वस्तु नमूना गुण लक्षण होता है। इस अर्थ में इसे हम स्टूडेंट काउंटेबल मानते हैं और इसके साथ हम आई ई एस लगा करके इसको प्लूरल बनाते हैं। स्टूडेंट मैंने शुरू में ही आपको कॉन्सेप्ट समझाया था सिंटेक्स में कि अगर हम किसी भी नाउन को अगर हमको प्लूरल में काउंट करना होता तो हम वहाँ उसके साथ आई एस या ई एस या एस को हम जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं, और अगर हमें वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना होता है तो उसके साथ हम एस ई एस या आई एस जोड़ते हैं। अगर हम वर्ब में आई एस या ई एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनती है, और नाउन में अगर हम एस आई एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनती है। तो यहाँ ये आपकी नाउन है ब्यूटी, तो इसके साथ अगर हम यहाँ पर ई एस जोड़ते हैं तो क्या स्टूडेंट्स ये आपका प्लूरल बन जाएगा, और इसके साथ हम सिंगुलर प्लूरल का यूज कर देंगे। जैसे यहाँ बताया गया आपका मेंशन किया गया ए ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर यू, यानी कि किसी लेडीज के बारे में बात की गई, तो ए जो ब्यूटी ए से क्या पता चलता है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था ए से हमें सेंस मिलता है वन के यानी किसी एक एक के बारे में, ब्यूटी यहाँ एक सी लेडीज़ के लिए यूज़ किया गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, एक के बारे में यूज करें तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ बताएगा टू ब्यूटी वर वेटिंग फॉर यू, यानी कि दो क्या है हो गया और ब्यूटी क्या आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट आपका क्लॉथ के ऊपर यानी कपड़ों के ऊपर, दिस क्लॉथ इज़ वेरी अट्रैक्टिव, यानी कपड़ों के बारे में बताया गया वो आपके कपड़े हैं वो कैसे हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो क्लॉथ कैसा होता है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ हम कैसी वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ बताया गया है कि लेकिन क्लॉथ का यूज़ क्या करते हैं वस्त्र यानी जो कपड़े पहनते हैं उनके अर्थ में अगर हम इसे प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ आपका एग्जाम्पल में मेंशन किया गया है
कि हिज क्लॉथ आर ओल्ड, यानी कि उसके जो वस्त्र हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट, वो पुराने। तो यहाँ ये क्या हुआ है, आपका ई एस यूज किया आपने क्लॉथ के साथ, तो ये क्या हो गया इसका प्लूरल बन गया, और प्लूरल के साथ हम कैसी वर्ब यूज करते हैं प्लूरल, ये तो आपको पता होगा कि जैसे सब्जेक्ट ऐसे हम वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका फोर्स के बारे में, द फोर्स ऑफ विल इज अबव ऑल, यानी कि जो सिंगुलर काउंटेबल लाने हैं और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज किया है। लेकिन जो आपका जो फोर्सेज होता है ना, इसका यूज हम तीनों सेनाओं यानी कि जल थल वायु, यानी नेवी आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के लिए यूज होता है। यह प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है और इसके साथ हम स्टूडेंट प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगर स्टूडेंट अगर हम किसी भी फोर्स अगर सिंगुलर यूज करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, लेकिन अगर इसका मीन्स किससे निकलता है यानी सेनाओं के बारे में, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ का बताया गया कि 2000 फोर्स हैव सेंट टू कश्मीर, यानी कि जो 2000 सिपाही थे या जो अर्धसैनिक बल थे उनको जम्मू कश्मीर भेजा गया। तो यहाँ फोर्स कैसा यूज किया गया आपका, 2000 क्या है प्लूरल है, फोर्सेज यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया इसके अकॉर्डिंग, और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हैव बीन यानी के प्लूरल वर्ब का यूज किया। अगर सिंगुलर होता तो हम यहाँ हैज बीन यूज करते, लेकिन यहाँ हमारा कैसा सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट स्टूडेंट आपका मैरिज, यहाँ बताया मैरिज इज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, यानी कि जो मैरिज होती जो शादी होती है वो जीवन का क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर मतलब क्या बोलते हैं एक मोड़ होता है लाइफ में। लेकिन मैरिज का ये तो आपको बताया था मैंने कि मैरिज कैसे होती है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन मैरिज का अर्थ क्या होता है, विवाह उत्सव, यानी विवाह उत्सव मीन्स हो गया जहाँ पर शादी वगैरह होती है यानी मैरिज हॉल होते हैं। ये काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, इसके साथ हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं और उसी के साथ हम प्लूरल का यूज करते हैं। यहाँ आपके एग्जांपल मेंशन किए गए, इन मैरिज वॉज अरेंज बिटवीन सुरेंद्र एंड अनु, यहाँ जो मैरिज यूज किया गया स्टूडेंट ए यूज किया है तो किसी एक के बारे में बात कर रहा है, और मैरिज यहाँ क्या आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब यूज करी, यानी कोई शादी हुई किसके बीच में सुरेंद्र एंड अनु के बारे में, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज किया है। यहाँ बताया गया आपका टू मैरिज वर अरेंज इन माय प्लेस लास्ट ईयर, यहाँ स्टूडेंट बात कर रहा था कि शादी इनके बीच हुई है, लेकिन यहाँ बताया इसने कि तब टू मैरिज यानी कि दो शादियाँ कहाँ हुई थी, वर अरेंज्ड कहाँ हुई थी मेरे गांव में, कब हुई थी लास्ट ईयर, मेरी गांव में पिछले साल दो शादियाँ हुई थी। तो ये यहाँ मैरिज किस सेंस में यूज़ किया गया, यानी विवाह उत्सव यहाँ पर शादियाँ होती हैं उस जगह के मीन्स में यहाँ पर यूज़ किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसके साथ में हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन बता दिया और इसके हिसाब से हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने अभी आपको जो रूल समझाया है इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, नेक्स्ट रूल मैं आपका 37 एज सो नाइदर और नॉर के बाद वर्ब का यूज इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के और पर्सन के मुताबिक होता है, यानी कि स्टूडेंट अगर किसी भी सेंटेंस में यानी टेंस में अगर आपके एज सो और नाइदर और नॉर अगर यूज़ किए जाते हैं तो उसमें जो वर्ब यूज़ की जाती है स्टूडेंट इनके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट आते हैं उनके अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज़ करोगे। जैसे यहाँ बताया गया है कि श्वेता इज ए सिंगर एज हर सिस्टर, यहाँ बताया कि श्वेता है ना उसकी जो वो कैसी सिंगर है एज इज हर सिस्टर, यहाँ एज यूज किया है और एज के बाद हमने इज यूज किया है स्टूडेंट या आई यहाँ पे सॉरी सिंगर के यूज में मीन्स में। जैसे यहाँ पे ही वांट्स टू हेल्प यू सो डू आई, यहाँ पर जो आपकी जो प्लूरल वर्ब जो यूज की गई है स्टूडेंट ये यूज की गई है आपके यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग आई डू, आई डोंट लाइक हर नाइदर डज ही, तो यहाँ नाइदर के बाद यूज किया गया आपका सब्जेक्ट क्या आपका ही और ही के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आती है आपकी सिंगुलर वर्ब यानी कि डज यूज किया है। ऐसे यहाँ पर माई ब्रदर डज नॉट हेल्प नॉर डज माई ब्रदर, माई ब्रदर जो स्टूडेंट यूज किया गया ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है
और जब आपको पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब भी है आपकी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब भी होगी। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, ये तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, जब मैंने 23 जब मैंने आपका रूल कराया था उसमें बताया था कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज़ अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो ऑफ के प्रयुक्त नाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक हम वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ बताया गया स्टूडेंट, अगर आपके किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना कि नाउन है प्लस ऑफ है प्लस नाउन है और ये क्या है सब्जेक्ट के रूप में अगर हम यूज़ कर देते हैं तो ऑफ से पहले जो नाउन यूज़ किया था, जैसे यहाँ बताया कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग, यानी जो इस क्लास के जो छात्र हैं कैसे हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। तो यहाँ आपका जो ऑफ है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, ये आपका नाउन है, क्लास भी आपका नाउन है यहाँ पे, और यहाँ बीच में क्या है आपका ऑफ यूज़ किया गया है। तो मैंने बताया कि जो ऑफ से पहले जो आपका सब्जेक्ट होता है द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कैसे आपके प्लूरल नाउन है तो उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यानी कि आर का यूज़ किया है। यानी कि अगर इसके बाद अगर जैसे यहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ भी आपका सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल आपका ए 1 2 3 4 प्लस दर्जन 100,000 प्लस प्लूरल नाउन का यूज अगर हम सेंटेंस में करते हैं तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इट मींस ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में, ये आपके स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का कि ए, या सेंटेंस आपका शुरू होता है ए से, 1 से 2 3 4 इस तरीके से, और उसके बीच में क्या आपका दर्जन 100,000 और उसके बाद हम कोई भी प्लूरल नाउन अगर यूज़ करते हैं वो भी कैसे सेंटेंस के सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया आपका कि 2 दर्जन पेंसिल आर हियर, मैंने बताया कि हम कोई भी नंबर यूज़ करते हैं यहाँ पर कार्डिनल 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और उसके बाद हम कोई भी मेजरमेंट यूनिट लेते हैं और उसके बाद हम कैसी नाउन यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं। अगर आपका प्लूरल नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ वर्ब यूज़ किया यानी कि आर। कोई दिक्कत नहीं है, अगर रूल समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ बताया गया 500, यानी कि कोई भी आपने नंबर यूज़ किया उसके बाद हमने ये यूनिट यूज़ किए यहाँ पर कि 100,000 दर्जन, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर स्टूडेंट वर्ब यूज़ किए यानी कि रेट। नेक्स्ट रूल आपका कि पीपल प्लेस कैटल सी डी पैसेंट्री जेंट्री पोल्ट्री कैबलरी का यूज़ प्लूरल नाउन के रूप में होता है। स्टूडेंट ये आपके कुछ नाउन दिए गए हैं, इनका यूज़ हम किस में करते हैं प्लूरल नाउन में करते हैं, और इनका अगर हम यूज़ सेंटेंस में एज सब्जेक्ट अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पहले मेंशन कर दिया कि पीपल प्लेस कैटल सी डियर पेसेंट्री जेंट्री पोल्ट्री कैबली, यहाँ हमने कैसे यूज़ किया इनको स्टूडेंट प्लूरल वर्ब यूज़ किया है, और जब आपने इसको सॉरी प्लूरल नाउन यूज़ किया है, जब आपने इसको प्लूरल नाउन यूज़ किया है तो इसके साथ हम कैसी वर्ब यूज़ करते हैं प्लूरल। जैसे यहाँ बताया गया था पुलिस आर चेसिंग द थीव, स्टूडेंट जो आपका पुलिस होता है ये आपका प्लूरल ही हम यूज़ करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। अगर हम यहाँ इसका अगर सिंगुलर बनाते हैं पुलिस का तो यहाँ बनेगा ये ए पुलिस मैन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पुलिस क्या होता है का प्लूरल होता है और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ हम बोलते द पीपल आर अटेंडिंग द पार्टी इन लास्ट नाइट, तो यहाँ पर हमने पीपल यूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब यूज़ करेंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि पीपल का अर्थ क्या होता है लोग होते हैं तो इसको हम प्लूरल मान लेते हैं और इस अर्थ में हम एस जोड़कर इनको प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स ये आपकी जो नाउन मेंशन किए गए हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी प्लूरल होती है, इनके साथ हम एस या आई एस या ई एस जोड़कर इनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया द
people of UP are laborious. क्योंकि स्टूडेंट इनके साथ हम एस लगाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब आर यूज़ किए हैं। लेकिन पीपल का यूज जब राष्ट्र या जाति यानी कि रेस के अर्थ में होता है तो इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है और इसमें एस जोड़ करके प्लूरल भी बनाया जा सकता है। स्टूडेंट ये कुछ कंडीशन होती है जब हम पीपल का यूज़ करते हैं तो उससे अगर हमें बोध होता है किसी भी कास्ट का या किसी रेस का या किसी कंट्री के बारे में तो वहाँ पर इसके साथ हम एस जोड़कर इसको काउंटेबल नाउन बना लेते हैं और इसको हम प्लूरल भी एस जोड़ करके बना लेते हैं। जैसे यहाँ बताया गया मैनी डिफरेंट पीपल लाइव इन यूपी। स्टूडेंट यहाँ देखो ये जो आपका पीपल्स यूज़ किया गया किस सेंस में यूज़ किया गया है, यहाँ बताया गया कि मैनी बहुत सारे डिफरेंट मतलब बहुत अलग तरीके से यानी कि अलग अलग कम्युनिटी से कास्ट से अलग अलग धर्म समुदाय से जो लोग हैं कहाँ पर रहते हैं लिप्स हैं। यहाँ ये जो आपका सेंस निकल रहा है कि यूपी में बहुत सारे अलग अलग जो भी धर्म वगैरह है जाति हैं या कम्युनिटी हैं उनके हिसाब से यहाँ पर पीपल रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एस जोड़कर इसको प्लूरल बना सकते हैं। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट रूल की तरफ। किसी ने ऐसे बताया है कि जो पुलिस होता है उसका पॉलिसिस नहीं होता है, इसका सिंगुलर नाउन होता है पुलिसमैन। अगर हमें पुलिस का अगर हमको स्टूडेंट्स अगर सिंगुलर फॉर्म अगर बनाना हो तो उसको हम पुलिसमैन बनाएंगे। इसका हम पुलिस क्या करते हैं, पुलिस तो ऑलरेडी है ही प्लूरल तो इसको हम आई एस या ई एस या जोड़कर इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसका हम सिंगुलर अगर बनाना हो तो पुलिसमैन होता है। जैसे ही बताया गया आपका पोल्ट्री के बारे में कि इसका अर्थ क्या होता है, पालतू मुर्गियां बतख से होता है तो इसका हम प्लूरल माना जाता है। स्टूडेंट इससे क्या पता चलता है जो पोल्ट्री होता है इसको हम बोलते हैं मुर्गी पालन या बतख पालन, तो ये ऑलरेडी आपका क्या होता है प्लूरल होता है। जैसे यहाँ मेंशन किया गया आपका नीचे एग्जाम्पल द पोल्ट्री आर सोल्ड हियर, यानी कि जो मुर्गी वगैरह होती हैं बतख होती है वो यहाँ पर क्या होती है स्टूडेंट्स बेची जाती हैं। तो यहाँ किस सेंस में यूज़ किया गया है आपका प्लूरल नाउन में और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया है प्लूरल वर्ब का। लेकिन यहाँ बताया लेकिन भाषा में पोल्ट्री का प्रयोग भोजन के अर्थ में होता है इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज। जब स्टूडेंट क्या होता है बतख को लोग खाने पीने का मतलब खाने में लेते हैं तो इसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन बना लेते हैं और इसी के साथ हम क्या करते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल में आपका मेंशन किया गया है कि सीजर्स ट्राउजर टंग्स पायजामा पैंट्स स्पेक्टल्स ग्लासेस इटीसी का यूज़ प्लूरल नाउन के रूप में होता है क्योंकि इनके दो भाग होते हैं अतः इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट जो आपकी सीजर्स होते हैं या ट्राउजर्स होते हैं या टंग्स होते हैं या पायजामा होता है पैंट होता है या स्पेक्टल्स भी चश्मे होते हैं और ग्लासेस। स्टूडेंट आपकी जो चश्मे होते हैं या पैंट होता है या पजामा होता है उसमें क्या होता है दो दो यानी कि चश्मा होता है उसमें दो ग्लासेस होते हैं, पैंट्स होता है उसमें दो टांगों पहना जाता है तो उनके क्या होता है दो पार्ट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया वो प्लूरल होता है और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया हिज पैंट्स हैव बीन लॉन्ग यानी कि उसके जो पैंट्स है क्या है वो लंबे हो गए हैं। तो स्टूडेंट पैंट्स मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं क्योंकि ये इनको हम दो भाग होते हैं इनके पैंट्स के तो इसको हम प्लूरल वर्ब मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब यानी कि हैव बीन का यूज़ किया है। अगर इनको हमें सिंगुलर बनाना हो लेकिन ई पी ए का यूज़ करके आप सिंगुलर फॉर्म में भी इनको लिख सकते हैं तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको इनका पेंट्स या इन जो भी मैंने आपके सीजर्स ट्राउजर टॉन्ग्स पायजामा या पेंट्स स्पेक्टल्स या ग्लासेस बताया अगर इनको हमें सिंगुलर में यूज़ करना होता है तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं ए पेयर ऑफ यानी ये स्पेक्ट्रल्स का क्या हो गया यानी कि ए पेयर ऑफ स्पेक्ट्रल्स इज न्यू यानी कि जो चश्मा है उसकी जो क्या है वो नए हैं यहाँ पर तो हमने सिंगुलर नाउन बना दिया इसको तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका द फॉलोइंग द अंडरस्टैंड द फॉर्मर द लेटर का यूज ये द फॉलोइंग द अंडरस्टैंड द फॉर्मर द लेटर अगर इनका हम स्टूडेंट सेंटेंस के सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं इनको मान लो तो इनके बाद या पहले जिसके लिए शब्दों का यूज़ हुआ है तो प्रयुक्त नाम के नंबर और पर्सन के मुताबिक पर का हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट ये
जिस भी वर्ब के साथ यानी जिस नाउन के साथ आते हैं या जिस नाउन के बारे में ये बताते हैं उसी के नाउन और नंबर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट, यहाँ पर जो स्टूडेंट द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट यानी कि इसकी ये फॉलोइंग किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है हमको वेदर के बारे में। वेदर क्या आपका सिंगुलर नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया। जैसे यहाँ बताया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको मैंशन किया गया है द फॉलोइंग आर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका द फॉलोइंग है या द अंडरस्टैंड है या फिर आपका द लेटर है तो स्टूडेंट ये मेंशन कर रहा है किसके बारे में, यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे हैं हमको कि ये जो बात की जा रही है वो स्टूडेंट्स के बारे में की जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के आपका प्लूरल नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यानी कि आर का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल आपका या फिर इसी में एक एग्जाम्पल और आपका कि सीता एंड रीना आर ब्यूटीफुल गर्ल वर्ड द फॉर्मर इज मोर ब्यूटीफुल देन द लेटर। देखो यहाँ बताया गया कि जो सीता एंड रीना ये आपके सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज किया गया आपका इज। इसमें जैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जिसके बारे में भी ये क्वालिफाई करेंगे, देखो जैसे यहाँ बताया गया था फॉर्मर किसके बारे में क्वालिफाई कर रहा है, सीता के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वर्ब यूज़ की गई है इज। नेक्स्ट रूल है आपका 43 नाउन प्लस एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस या नाउन प्लस एपोस्ट्रॉफी या फिर एपोस्ट्रॉफी एस प्लस नाउन का यूज अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो लास्ट नाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर आपके दो नाउन दिए गए हैं, देखो एक तो राम आपका नाउन है और एक आपका बुक नाउन है, तो इसने बताया है कि अगर हम एपोस्ट्रॉफी अगर यूज़ करते हैं यानी कि यहाँ इसको ऐसे बनाएंगे राम से बुक यानी राम की किताब इज रेड, तो यहाँ राम के साथ हमने एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ किया गया यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग बुक क्या हुआ, बुक भी एक नाउन है तो कैसी नाउन है आपकी सिंगुलर नाउन है, तो जो एपोस्ट्रॉफी के बाद जो नाउन आता है तो उसी को हम उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो बुक क्या है आपका सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। यहाँ बताया गया नेक्स्ट में कि राम्स बुक्स आर रीड, तो यहाँ स्टूडेंट्स बुक्स है आपका कैसे आपका प्लूरल नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया, यानी कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर आता है पहले नाउन आता है, नाउन के साथ आपका एपोस्ट्रॉफी आता है फिर नाउन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो पीछे वाली जो नाउन होती है उसके नंबर या हम पर्सन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे राम भी यहाँ पर नाउन है आपका, बुक भी नाउन है, राम भी नाउन है उसके बीच में हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है फिर उसके बाद हमने यहाँ पर प्लूरल नाउन यूज़ किया है तो आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में इसी में एग्जाम्पल दिया है आपका द बॉयज पोस्टल इज़ वेरी अट्रैक्टिव। स्टूडेंट यहाँ जो आपकी जो नाउन है आपका बॉय, पोस्टल भी आपका नाउन है और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब यूज़ किया आपका सिंगुलर वर्ब। ऐसे वुमेन्स क्या है स्टूडेंट्स आपका, ये भी नाउन है आपका प्लूरल नाउन है, कॉलेज भी आपका कैसा है कॉलेज बट आपका सिंगुलर नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ किया है इस, यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो का ये लास्ट रूल, और आप प्लीज़ मुझे बताया करें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगती है, आपकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यूज़फुल है या नहीं है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, और आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और वोकैब की तो हमारी सीरीज चलती रहेगी और ये ग्रामर पोर्शन है तो इसके बाद में आपका नाउन और उसके बाद में प्रोनाउन वही सीरीज चलती रहेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और इसी तरीके से आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें कमेंट किया करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। स्टूडेंट यूथ का जो हम यूज़ करते हैं ये युवावस्था के लिए बताता है, यानी यंग किसी भी यंग मैन के लिए इसे यूज़ करते हैं, इसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट ये आपका जो यंग होता है यानी यूथ बोले हम, यूथ का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, आप ये थोड़ी बता सकते हो कि भाई तू कितना जवान है, नहीं बता सकते ना,
तो यहाँ बताया कि हिज यूथ वॉज फुल ऑफ प्लेजर्स, यानी कि उसकी जो जवानी कैसी है वो फुल ऑफ आनंद, यानी आनंद से भरी हुई। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो यूथ यूज़ किया गया, ये यूज़ किया गया आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब वॉज यूज़ किया जो कि सही है। लेकिन इसने बताया कि लेकिन अगर हम यूथ का उपयोग युवक के अर्थ में ना होने पर इसे हम काउंटेबल नाउन मान लेते हैं तथा इसके साथ हम प्लूरल यूथ्स में भी कर सकते हैं, अर्थानुसार इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट इसका मीन्स है कि जैसा अगर आपको अर्थ निकालते हो इसका और अर्थ से आपको पता चलता है कि इससे हमें जो सेंस निकल रहा है वो आपका सिंगुलर वर्ब का आ रहा है तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और हमें पता चलता है कि यहाँ से हमें प्लूरल वर्ब का सेंस निकल के आ रहा है तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ बताया गया ए यूथ वॉज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, स्टूडेंट जो आपका ए होता है ये वन का सेंस देता है, ए यूथ यानी कि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी कि एक जो जवान है यानी कि जो यूथ है यानी कि यंग लड़का है वो क्या है वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, यानी कि जो लड़का है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट को प्लेग्राउंड में खेल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। लेकिन यहाँ बोला इसने टू यूथ से क्या हो गया प्लूरल हो गया आपका, और यूथ आपका ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन कैसा है प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। स्टूडेंट ए यूथ से क्या होता है आपको एक युवक के बारे में पता चलता है, और टू यूथ यानी कि दो युवक, ये आपका सिंगुलर हो गया ये आपका प्लूरल हो गया। तो स्टूडेंट यही थी मेरी आज सिंटेक्स का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, और प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो को लाइक किया करें फुल पॉज किया करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.